तनादन घूसे चल रहे हैं, थप्पड़ों की एक दूसरे पर बरसात हो रही है। पैर से घात तक प्रहार चल रहा है, एक दूसरे को धक्का दिया जा रहा है। जो जहां खड़ा है वहीं से अपने बाहुबल का इस्तेमाल कर रहा है। ये तस्वीरें राजस्थान के जालौर की हैं और महासंग्राम कांग्रेस दफ्तर के भीतर हो रहा है। दरअसल बंद कमरे में सीनियर नेता विवेक बंसल आम लोगों और कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। इस बीच भीनमाल विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव लड़ चुके ओम सिंह चांदराई अपने समर्थकों के साथ राजीव भवन पहुंचे और देखते ही देखते कार्यकर्ता आपस में उलझने लगे। पहले धक्का मुक्की हुई और उसके बाद हाथापाई शुरू हो गई। कुछ मिनटों में ही जालौर कांग्रेस दफ्तर लड़ाई के अखाड़े में तब्दील हो गया। बड़ी मुश्किल से हालात को काबू में किया गया। किसी तरह से दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं को शांत करवाया गया। अब सवाल उठता है कि आखिर जालौर में कांग्रेसी इस तरह से क्यों भिड़े? अगर कार्यकर्ताओं के बीच कोई मसला था तो आपस में बैठकर वो सुलझा सकते थे, पार्टी के आला नेताओं के सामने अपना अपना पक्ष रख सकते थे, लेकिन कांग्रेसियों ने ऑन द स्पॉट फैसले के लिए जमकर लात घूसे और मुक्कों की बरसात की। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अब ऐसे ही कांग्रेसी लोकसभा चुनाव से पहले आपस में सिर्फ टोवल करेंगे तो अपने विरोधियों से वो कैसे लड़ेंगे?